ये अनिश्चितता का काल जो है इसमें अपने को जीतना है, वी हैव टू विन इन अनसर्टेन टाइम। अनिश्चितता का काल का मतलब है कंफ्यूजन, पैरानोइया, लॉस ऑफ कंट्रोल, होपलेसनेस, हैंडीकैप। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को इस अनिश्चितता के काल के लिए रेडी नहीं किया। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अनिश्चितता के काल से, तो कभी मोदी गवर्नमेंट में आया, तो कभी सोनिया गांधी है, तो कभी शरद पवार आया, तो कभी शिवसेना आया, या कोई भी पार्टी आई इस दुनिया में। जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, प्रलय हो गया, रायट्स हो गए, बम्बई में रायट्स हो गया, अकाल पड़ गई, जो भी है, मुझे तो हर हाल में, हर काल में जीतना है। तो मेरा फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ वो ये है, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज मिसिंग इन लाइफ, फोकस ऑन व्हाट इज अवेलेबल। जब अनिश्चितता की काल होती है तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती है, जो नहीं है लाइफ में उसको भूल जाओ और जो है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसको भूल जाओ और जो है उस पर ध्यान दो। हो सकता है कि आपके पास 100 आदमी थे, अभी अनिश्चितता का काल हो गया, 50 भाग गए, अरे 50 तो है, 5 प्रोडक्ट थी, 2 फेल हो गई, अरे 3 तो है, 13 बॉडी फर्स्ट क्लास है, तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, तेरे माँ है, बाप है, तेरा घर है, तेरा घर, तेरा गाड़ी है, सब कुछ है तेरे पास, जो अवेलेबल है उसको एक्सप्लॉइट करो ना, जो नहीं है उसको क्यों जिद पकड़ रहे हो। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट इज मिसिंग इन लाइफ, फोकस ऑन व्हाट इज अवेलेबल। तो हमारे पास ये बुद्धि है विच इज अवेलेबल, नहीं है क्या, क्यों फालतू बात कर रहे, बुद्धि है वापर, ये हाथ है ना वापर, ये बॉडी है वापर, वो 50 जन बचे ना उनको वापर, 3 फैक्ट्री थी 2 बंद हो गए, 1 तो है ना उसको वापर। सो जो नहीं है उस पर ध्यान मत दो, जो है उसका टोटल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करो। 50 आदमी से आप 200 का काम निकालो ना, अब आप सोचो कैसे कर सकते, 100 था और 100 जन का काम कर रहा था, अब 100 से 50 हो गया, तो 50 से 200 का काम कैसे निकाले, क्या मैं कोई इंसेंटिव दूं, क्या मैं कोई ट्रेनिंग दूं, क्या मैं उनको लाइफ को आसान बनाऊं, क्या मैं टेक्निक यूज करूं, ये आपको सोचना है। तो अनिश्चितता के काल में आपको ये नहीं सोचना है व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज अवेलेबल, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यू नो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।